ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने लिख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा हमेशा की तरह। तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी रुकावट के आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड गाइस, जब मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, एंड इसके ऊपर अगर आप सभी को वीडियो देखनी है तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है। तो आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप उस वीडियो को जाकर आप चेकआउट जरूर करना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उस वीडियो से। तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। बाकी आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को अब यहाँ पे आप सभी को फोटो को सिंपली लगाने के बाद डन कर देना है। एंड इसके बाद गाइस, आप सभी को जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड दोबारा ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को गाइस एक पीएनजी ले लेना है लाइट का, एंड इस पीएनजी को आपको ऐड कर लेना है। एंड इसके बाद आप सभी को जो इसका ब्लेंडिंग बोर्ड है वो रख देना आपको मल्टीप्लाई, ठीक है? तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप सभी को इसको कुछ अपने हेड के पास इस तरीके से लगा देना है, मतलब कि दिखना चाहिए कि इसका जो रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो कुछ इस टाइप से आप सभी को लगा देना है। एंड उसके बाद गाइस, इस तरह कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से सिंपली इसको लगा देने के बाद आप सभी को ऊपर वाले राइट में डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना दोबारा से ऐड फोटो में। एंड उसके बाद आप सभी को एक पीएनजी ले लेना है, एंड ये ब्लैक डार्कनेस का पीएनजी ले लेना है। इसको आप सभी को जिस टाइप से यहाँ पर लगा देना फुल स्क्रीन, एंड ऑटोमेटिकली कुछ इस टाइप से लग जाएगा, ठीक है? इतना करते हैं बाद आप सबको डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको फिर क्या करना है, दोबारा से जाना आप सबको इसमें टूल्स वाले ऑप्शन में। एंड उसके बाद जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सबको जो ब्राइटनेस ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, इरेजर टूल में जाना, इन्वर्ट कर देना, ब्रश को लेना, साइज को थोड़ा छोटा कर देना है, एंड जो फोटो को जूम करना है। उसके बाद आप सबको फेस पर कुछ इस टाइप से पेंट करना है, मतलब डोजन बन करना, ठीक है? तो अगर गाइस, डोजन बन के ऊपर अगर आप सभी को पूरी डिटेल में समझना, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को चेकआउट जरूर करना, उसमें उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे रेज कर लेता हूँ, जो यहाँ पे मेरे से पेंट हो गया था। तो उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, इसका जो अमाउंट है अराउंड कुछ रख देना आप सभी को, अराउंड 6-7-8 तक, ठीक है? अराउंड 4 तक रख देना है, डन कर देना, ठीक है? इतना करने के बाद आप सबको अगेन जाना टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको ब्राइटनेस को दोबारा से बढ़ा देना है, इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना, थोड़ा सा अच्छा साइज को छोटा कर देना है, एंड फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद आपसे पूरी बॉडी के ऊपर पेंट करना कुछ इस टाइप से, ठीक है? कुछ इस टाइप से पेंट कर लेना। इससे क्या होगा कि गाइस, जो आपकी मतलब बॉडी होगी ना, वो भी थोड़ा सा मतलब कि फेस की तरह ग्लो करेगी, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि फोटो जो है थोड़ा अच्छा सा एट्रैक्टिव सा लुक आता है, ठीक है? तो इसको आपसे व्यू करना है, ठीक है? तो इसको आप मैं कुछ यहाँ पे भी कर लेते हैं। एंड उसके बाद आपको जान जाना लगे वहाँ पर आप जरूर पेंट करना, काफ़ी अच्छा लगता है इससे, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सभी को डन कर देना है। एंड जिसका अमाउंट आप सभी को थोड़ा बढ़ा के रख देना है, एंड आज सिंपली आप सभी को फोटो को डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को उस फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसको ओपन करना अपने लाइटरूम ऐप में, क्योंकि वहीं पर असली रिजल्ट पता चलेगा। तो यहाँ पर आपने गाइस लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिया, तो आप सभी को करना है कि आप सभी को लाइट वाला उसमें क्लिक करना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को जो है थोड़ा सा कम कर देना है, नहीं गाइस बढ़ा देना थोड़ा सा, ठीक है? हाईलाइट को बढ़ा देना, एंड शेडो है जिसको आपको थोड़ा सा ऐसे भी बढ़ा देना है, व्हाइट है जिसको भी बढ़ा देना है, एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सभी को कलर्स वाला ऑप्शन जाना है, वाइब्रेशन को बढ़ा देना, टेम्परेचर को चाहो तो माइनस कर देना, बाकी छोड़ देना। एंड इसको ऑरेंज कलर को लेना है, एंड इसका सैचुरेशन माइनस कर देना, लूमिनस को बढ़ा देना है, एंड ये ब्लू कलर को लेना है, इसका ह्यू थोड़ा माइनस कर देना है, फिर सेकंड ब्लू में लेना है। इसके बाद आप सभी उसका भी व्यू माइनस कर देना, एंड सैचुरेशन प्लस कर देना, एंड कर देना डन। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में विग्नेट है इसको आपको थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है? एंड उसके बाद आप सबको नीचे वाले टूल में जाना है, फोटो की जो शार्पनेस आप सबको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस नॉइज रिडक्शन आप सबको उसको भी बढ़ा देना है, एंड जो गाइस कलर रिडक्शन आप सबको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ कि अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगर मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।